एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग में किस आपने टाइटल देखा होगा क्या है टॉपिक, तो जी हाँ, मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ आज मैंने यूट्यूब में आज देखा, कल से मैं जो न्यूज़ आई मेरे हस्बैंड ने बताया एक न्यूज़ प्रेम लव स्टोरी के बारे में किसी का, जो बिहार में अभी हुआ है, आरती एंड छोटू की लव स्टोरी, जो बहुत बहुत ज़्यादा, मैं देखो ज़्यादा सोशल मीडिया में जो हो रहे है उसकी उस पर मैं वीडियोस नहीं बनाती, मुझे किसी ने बोला था, लेकिन ये लव स्टो लव की बात है भाई, तो रियली बता रही हूँ, मैंने खुद लव मैरिज किया है। वो भी आप जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि मैं एक मुस्लिम घर से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, मेरी शादी मेरे हस्बैंड जिनसे मैंने लव मैरिज किया वो हिंदू परिवार से है, और हमारे एक छोटा सा मेरा एक बेबी भी है, और हमारी लव स्टोरी के 12 साल हो गए और मेरी शादी के 9 साल हो गए, 2 महीने बाद 9 साल हो जाएंगे हमारी शादी के। तो ऊपर वाले की दुआ से हम बहुत खुश है, हैप्पी फैमिली है हमारा, और ऐसा नहीं सिर्फ हम, हमारे फैमिली भी हम एक्सेप्ट कर लिए। तो मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि अगर सच्चा प्यार कर रहा है ना यार, तो उसको मत खत्म करो यार, मत खत्म करो। इतना भी एक बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल होता है ना, इस दुनिया में लाना, वो किसी की माँ से पूछो यार, किसी भी माँ से पूछो। तो उस बच्चे को जन्म ऊपर वाले ने दिया, और किसी का अधिकार नहीं है कि उसे एक झटके में किसी को मौत दे दे, ये किसी ने आपको अधिकार नहीं किया। और कितनी बेरहमी से उनको मारा गया है, छोटू को, दिल से बोलती हूँ, वो जहाँ भी हो गए ना, वो अपने को स्वर्ग नसीब होगा, उनका प्यार अमर हो गया यार। लोग, उनके परिवार ने ये चाहा कि हम इन्हें लव मैरिज नहीं करने देंगे, हमें दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर इन्होंने एक अच्छा खासा लड़के को मार दिया। क्या हुआ, उसके प्यार में ताकत थी, इस वजह से आज वो मर के भी जी रहा है, ठीक है, वो मर के भी आज उसके प्यार अमर हो गया। आज जो आप शादी करा के आपके 2-4 लोग जानते, 2-4 लोगों के सामने हो सकता है आपको लोग बोलते हैं आपकी बिटिया ने लव मैरिज किया इस लड़के से, ये क्या वो क्या, आपको आई थिंक 1 वीक 1 मंथ आपको सुनाते, हो सकता है सुनाते अगर आप बहुत ऊंचे फैमिली से थे, आपको अपने बोले तो अपने इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह थी, लेकिन आज वो आपने उसे ख़त्म कर दिया, आपने अपनी बेटी को जीते जी, वो जी रही है बट वो जीने के लायक है क्या, आप देखो उसकी हालत। आप तो पहले एक लड़के को बिना मतलब का मार दिया इस दुनिया, जबकि आपका अधिकार नहीं था, आपने अपनी बेटी का हालत ऐसा कर दिया, ऊपर से जिस इज्जत के वजह से आपने किया उसकी इज्जत क्या, आज जो 2-4 लोग जानते शादी के बाद, अगर आप शादी इज्जत से करा देते, आज वो आप उसको मारकर कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किए हो, आज आपकी इज्जत नहीं है दुनिया में, कितने आपको गालियाँ दे रहे लोग पता है, कोई भी मुझे नहीं लगता आप लोगों को अच्छा बोल रहे होंगे, वही दुनिया वाले, जिस दुनिया वाले के डर से आपने उस लड़के को मार डाला अपने इज्जत बचाने के लिए, आज उसी दुनिया वाले आपको अच्छे नहीं बोल रहे, तो आपकी इज्जत तो रही नहीं, उस इंसान की भी जान चली गई और आपकी बेटी की हालत भी खराब हो गई, तो क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला। प्लीज़ ऑल फैमिली ऑल पेरेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर प्यार सच्चा है ना, तो प्लीज़ किसी का प्यार जुदा मत करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक प्यार एक अच्छा ही होता है, लेकिन उसको एक बार आप परखो ना, आप देखो ना, जज करो ना, पेरेंट्स से जज करना आपका हक है, जज करो कि वो मेरी बेटी के लायक है या नहीं है, मेरे बेटे का लायक है कि नहीं है, बट इस दुनिया से
हटाने का हक किसी ने आपको नहीं दिया है यार, किसी ने नहीं दिया है किसी को। हम कैसे जन्म लेते हैं ना, वो ऊपर वाले कैसे हमें इस दुनिया में भेजते हैं, कैसे एक माँ 9 महीने अपने कोख में रख के इतनी मतलब सह के जन्म देती है, उतनी बड़े करते हैं। और आप एक झटके में एक इज्जत इज्जत की दुनिया वाले क्या कहेंगे ये सोचकर आपने उससे बेरहमी से मार डाला, लेकिन आज उसी दुनिया वाले आप पे थूक रहे हैं। ठीक है, आप पे थूक रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े, जिनको इस प्रेम कथा से प्रॉब्लम भी होगी ना, आई थिंक वो भी आज आप पे थूक रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये मत करो यार। क्या हासिल मिला आपको ये करने से? प्लीज़ पेरेंट्स, आप जस्ट आप उसको एक बार परखो कि मेरे बच्चे अगर किसी से प्यार किया है तो क्यों किया है, क्या उस लड़के या उस लड़की में ऐसी खूबी है जिसको मेरे बच्चों ने पसंद किया है। होते बहुत सारे होते हैं जो नहीं अच्छे होते हैं पार्टनर, अगर अच्छे नहीं तो आप अपने बच्चे को समझाओ कि बेटा ऐसा है वैसा। आप उसको अगर आपको लगता है कि वो लड़का सही नहीं है मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी को यूज़ कर रहा है या मेरे बेटे को यूज़ कर रहा है, तो आप उस चीज़ के आंखें खोलो अपने बच्चे के साथ रहकर। ये हल नहीं है कि आप उसको मार डालो, ये हल नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती एक रूम में कैद करके रखो, जबरदस्ती लड़कियों की शादी 60 साल के लड़कों से कर दो या 2 बच्चे के बाप से कर दो। नहीं, ये हल नहीं है यार, ये हल नहीं है। आप एक इज्जत के कारण हर एक वो चीज़ करते जो सही नहीं है, और उसी दुनिया वाले आपको पे थूकते हैं। अब क्या इज्जत रही? एक तो जो दुनिया वाले की इज्जत के लिए आपने क्या, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, वो ही आपको थूक रहे हैं। और ऊपर से क्या बोलते हो, ऊपर से आप जेल की हवा भी हो सकता है खाने वाले हो, तो मुझे नहीं लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया। आप बहुत बड़े हो, आई थिंक आपकी सोच बहुत गंदी और बहुत छोटी है। ठीक है, बहुत हद से छोटी है यार, बहुत हद से छोटी। तो आरती, आप बस दुआ कि जो अभी है इस दुनिया में वो ठीक रहे, वो अपने आप को संभाल ले। मुझे बहुत दुख हुआ यार उसे देखकर, कितना वो जीते जी वो जी रही है क्या। हाँ, जो उसके मम्मी पापा उसको समझना चाहिए यार, प्लीज़ पेरेंट्स। जो हुआ उसको तो हम फिर से नहीं ठीक कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत ऐसे होंगे तो वो कांड ना करे यार। कुछ नहीं हासिल मिलता, कुछ हासिल नहीं हो। आज मेरे भी देखो ना, मैंने भी जब किया था तो बहुत चीज़ मेरी मम्मी को डाउट था, रियली बता रही, बहुत। क्योंकि मुझे भी लगता था कि ऐसा होगा वैसा, लेकिन आज खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और ऊपर वाले ना करे कि किसी की ये नज़र लगे, किसी की नज़र ना लगे। और आगे का नहीं बता सकती मैं, क्या है कैसा होगा क्या, कोई फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन प्रेजेंट जो है मैं उसके लिए जी रही हूँ यार, उसके लिए जी रही हूँ। बस मैं आज खुश हूँ, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ ये चीज़ ना करे, प्लीज़ ना करे, प्लीज़ प्लीज़। मैं एक हमारे और मेरे हस्बैंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ना के बराबर था, फिर भी हमने हाँ में बदला, और वो भी पेरेंट्सों के साथ। आज मेरे हस्बैंड के भी पेरेंट्स दिल से मेरे को अपनाए हैं, और मेरे भी पेरेंट्स मेरे हस्बैंड को दिल से अपनाए। क्या हुआ, दुनिया वाले ने क्या उखाड़ा? कोई किसी का कुछ नहीं लगता यार, यहाँ अपने नहीं साथ देते मुसीबत में तो दुनिया तो दूर की बात है। आप एक इज्जत के लिए अपने क्या, अपने खुद के बच्चों को की लाइफ खराब करते हो, बस यही बोलना चाहूँगी। प्लीज़ ऐसी चीज़ ना करें। अगर आपके बच्चे को आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत लोगों के संगत में है, या गलत लड़के के साथ है, या गलत लड़की के साथ है, तो आप उस चीज़ को उसको समझाओ, उसका आँख खोलो, उसको दिखाओ कि हाँ बेटा देखो, तो ऑटोमेटिक वो दूर हट जाएंगे। लेकिन ये हल करने का मुझे नहीं लगता ये तरीका अच्छा है। प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ प्लीज़ अब ये
चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी लड़के या किसी भी लड़कियों के साथ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है,